टेस्ला के सीईओ और अरबपति एलोन मस्क अक्सर यूक्रेन और रूस दोनों से युद्ध रोकने और इसका शांतिपूर्ण समाधान तलाशने की अपील करते रहे हैं। पिछले साल ही अक्टूबर में उन्होंने ट्विटर पर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की सलाह दी थी, जिसके लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उन्हें आड़े हाथों लिया था। हालांकि मस्क ने अपने स्टारलिंक उपग्रह प्रणाली के माध्यम से यूक्रेन को इंटरनेट सेवा देकर यूक्रेन का समर्थन किया है। डेढ़ साल से चल रहे इस युद्ध में कई बार इस तरह के अवसर आए जब परमाणु हमले का खतरा दिखा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक एलोन मस्क ही वो शख्स हैं जिनकी बदौलत परमाणु हमला टल गया। एलोन मस्क पर एक जीवनी प्रकाशित होने जा रही है जिसको जारी करने वाले हैं साइमन एंड शूस्टर और तारीख है 12 सितंबर। शूस्टर ने इसमें खुलासा किया है कि मस्क ने यूक्रेन और रूस के बीच परमाणु युद्ध को कैसे रोका। वॉल्टर इसाकसन द्वारा लिखित इस जीवनी में बताया गया है कि जब पिछले साल क्रीमिया तट के पास विस्फोटकों से लैस यूक्रेनी पनडुब्बी ड्रोन हमले के लिए रूसी युद्धपोतों की ओर बढ़ रहे थे, तब मस्क ने गुप्त रूप से अपने इंजीनियर्स को स्पेस एक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट को बंद करने का आदेश दिया था। राइटर के मुताबिक जैसे ही विस्फोटकों से लदे यूक्रेनी पनडुब्बी ड्रोन रूसी बेड़े के पास पहुंचे, उन्होंने संपर्क खो दिया। हालांकि उस दौरान यूक्रेनी अधिकारियों ने उनसे संचार नेटवर्क को फिर से चालू करने का अनुरोध किया, लेकिन उसे माना नहीं गया। मस्क ने इसे नहीं माना क्योंकि उनको डर था कि रूस क्रीमिया पर यूक्रेनी हमले का जवाब परमाणु हथियारों से देगा, और ये डर निराधार नहीं था क्योंकि मस्क रूस के उच्च अधिकारियों से इसको लेकर खुली चर्चा कर चुके थे और परमाणु हमले का अंदाजा ले चुके थे। अगर मस्क का डर सही साबित होता तो दुनिया आज परमाणु हमले का दंश झेल रही होती। उस वक्त के मस्क के निर्णय ने यकीनन एक भयावह तबाही को रोक दिया। युद्ध में सीधे तौर पर किसी तरह की भागीदारी के खिलाफ रहे मस्क इसमें शामिल हो गए। बकौल मस्क, उन्होंने ऐसा किया ताकि लोग संचार नेटवर्क के जरिए नेटफ्लिक्स देख सके, आराम कर सके, स्कूल के लिए ऑनलाइन जा सके और अच्छे शांतिपूर्ण काम कर सके। ड्रोन हमले नहीं।